कोशिका सेल कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिक सिद्धांत श्लाइडेन तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक केंद्रक कला केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। दो इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तीन इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु व नीले हरित शैवालों में पाई जाती है। दो यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक पूर्ण विकसित केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। दो इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तीन इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधे जंतुओं कुछ शिवालों इत्यादि में पाई जाती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं हरित नील शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद फ्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1973 में की। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1931 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है, किंतु कुछ पौधों वाउचेरिया व क्लाउडोफेरा की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मोडले वाटसन व क्रिक ने दिया। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। आनुवंशिकता सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने मटर के पीछे में 7 लक्षणों की वंशगति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अपून का नियम, अप्यूहन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में लाए जाते हैं। ये क्रोसोलोग न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम 1888 में वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। ऐसी संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूल इकाई है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों एवं संरचनात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाते हैं। प्लवमान जीन के सिद्धांत प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बाबरा मैक्लिटॉक ने किया था। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजोम कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लियो अम्ल डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है।
नाइट्रोजनी बेस प्यूरीन व पिरामिडीन, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। नोट, एक्सरे तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में घुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। फॉस्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फॉस्फोरस की उपलब्धता में 20-30% तक बढ़ जाती है। जैव उर्वरक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने वाले जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर नीले हरित शैवाल, अजोला। फॉस्फोरस घुलाने वाले उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सिलरेटर सेलुलोलिटिक, लिग्नोलिटिक। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फन है। नोट, दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं की इनके दैनिक आहार के साथ 1.5-2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15-20% वृद्धि दर्ज की जाती है। V2-4DA खरपतवार नाशी है।